नमस्कार दोस्तों, आपके अपने लोकप्रिय चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परिणाम को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में रिट लगी हुई है और आज यानी कि 31 मार्च 2021 को एक साथ 4 केसों की सुनवाई होनी थी। फैसला दोस्तों अभी हाल ही में आ गया है, लेकिन आपको बता दें कि फैसला अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। जिस प्रकार से आप सभी इंतजार कर रहे थे, बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे कि हमारे साथ न्याय हो जाए, पुलिस विभाग के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों पूरी तरह से क्लियरेंस हो जाए, क्योंकि विद्यार्थी आस में नहीं रहे और ये नहीं सोचे कि अभी भी इस भर्ती में कुछ होने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी न्यूज आई है उसको हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जो राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा ये अभी हाल ही में मामला सामने आया इसको एक बार बता देता हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पर मैं बताऊँगा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो विभाग द्वारा अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें जोधपुर ज़िले के फिजिकल से संबंधित डिटेल्स डाली गई हैं, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के द्वारा अभी हाल ही में ये ट्वीट किया गया है, जयपुर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2019 का ये मामला है। आज जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस गोवर्धन बारदार की खंडपीठ में टली सुनवाई। मामले में अब 5 अप्रैल को होगी सुनवाई। अधिवक्ता एजाज नबी कर रहे हैं मामले में पैरवी। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, 13:46 यानी कि 1:46 31 मार्च 2021 यानी कि आज ही के दिन अभी हाल ही में बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। अभी जो ये फैसला सुनाया जाने वाला था, जहीर अहमद ऐसा नहीं है कि पीछा छोड़ दिया है, जहीर अहमद अभी तक इस भर्ती के चिपका हुआ है और लगातार बना हुआ है। यहाँ पर आप सभी को ये भी बताया कि जहीर अहमद के द्वारा जो रिट लगाई गई थी वो ये लगाई गई थी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कट ऑफ नहीं जाए, पुलिस जो पुलिस भर्ती से संबंधित स्टेट वाइज ही कट ऑफ जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से जहीर अहमद के द्वारा लगाया गया था और पहले सिंगल बेंच में था, उसके बाद में डबल बेंच में भी हो गया था, डिवीजन बेंच में भी ये फैसला चला गया था। लेकिन दोस्तों, पुलिस विभाग ऐसा नहीं है कि मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ, पुलिस विभाग अपनी प्रक्रिया कर रहा है। कई जिलों के फिजिकल हो गए हैं और लगातार जो पूरी लिस्ट भी डाल दी गई है, सभी जिलों के फिजिकलों की लिस्ट भी डाल दी गई है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पुलिस विभाग जो भी जैसे भी जब रिजल्ट डाला गया था उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट भी डाल दी गई है कुछ जिलों के, तो उसमें लास्ट में नोट करके एक बात जरूर लिख रहा है कि अभी भी जो फैसला है ये फाइनल मेरिट लिस्ट है या रिजल्ट है ये हाई कोर्ट के अधीन ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फैसला है ये हाई कोर्ट के अधीन तब तक रहेगा जब तक कि ये केस खारिज नहीं हो जाता माननीय हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लगातार वैसे तो तारीख पर तारीख मिल ही रही है, 5 अप्रैल को क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। वैसे तो यहाँ पर फिजिकल चल ही रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप प्रेस जरूर कर लें, ताकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी आपको पल पल की अपडेट यहाँ पर मिलती रहे। अब यहाँ पर आप जो पुलिस विभाग के द्वारा एक नोटिफिकेशन डाला है उसको भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय पुलिस आयुक्त जोधपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन डाला गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 मार्च 2021 का है, कांस्टेबल भर्ती 2019 पुलिस आयुक्तालय जोधपुर के द्वारा ये डाला गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जोधपुर वाले जो फिजिकल हैं वो 8 अप्रैल 2021 से होने हैं, 5 बजे आपको ग्राउंड में पहुँचना है। इससे संबंधित ये नोटिफिकेशन डाला है, आपको यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ सहित 100% सटीक जानकारी मिलती है, इसलिए आपसे दोबारा कह रहा हूँ अभी ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब हम मिलते हैं 5 अप्रैल को। आखिर 5 अप्रैल को क्या होगा।